23 तो कट गई ना। चलो भाई डालो वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा थैंक यू यार। चलो भाई वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, इसमें लिखना इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड वी विल सेपरेट, इन दिस मेथड वी विल सेपरेट, इस मेथड में हम सेपरेट करेंगे, इन दिस मेथड वी विल सेपरेट। डीवाई नॉइज आ रही बहुत ज्यादा। इन दिस मेथड वी विल सेपरेट, वी विल सेपरेट डी वाई, डी वाई विथ वाई एंड डी एक्स विथ एक्स, डी वाई विथ वाई एंड डी एक्स विथ एक्स। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो, दिस मेथड इज ओनली पॉसिबल, सारे मेथड, दिस मेथड इज ओनली पॉसिबल फॉर ऑर्डर वन। ठीक है, इस पॉइंट को अनलाइन कर देना, इससे पता लगता है तुम 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन अभी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, तुम्हारे पेपर में जो आएगी वो 1 डिग्री की ही आएगी सॉल्व करने की। ठीक है, तो डरने की कोई बात, कैसे करना है क्या करना है, सबसे ईजी है टॉपिक, हाँ डरना मत, सबसे आसान टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल से क्वेश्चन से, तभी समझ में आते हैं ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, देखो हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। कल मैंने बताया था ना सॉल्यूशन क्या होता है, वाई की टर्म्स में एक आंसर होता है, तो वही निकालना है हमें बस, और कुछ नहीं। नील बटे सन्नाटा और आंसर देखो क्या बढ़िया बढ़िया आते हैं। इंटीग्रेशन याद है, तो बेसिक है। लिखो भाई क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + x² 1 + y² ठीक है, ये क्वेश्चन आया, इसमें सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन ऐसे आएगा लिखा हुआ और लिखना है सॉल्व, क्वेश्चन आएगा सॉल्व लिखा हुआ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लिखा आएगा सॉल्व और ऐसा। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल। करना क्या है सुन लेना ध्यान से, वाई के साथ वाले को वाई वाले को भेजो और एक्स के साथ एक्स वाले को भेजो। तो देखो क्या होगा, डी वाई ऐसी रहेगा, मैं इसके नीचे वाई वाला भेज देता हूँ 1 + y² सही है, और यहाँ 1 + x² पहले से है, यहाँ डी एक्स भेज दो, कोई परेशानी, ये डी एक्स वहां चले गया, ये वाला नीचे आ गया, कोई दिक्कत। मेथड के नाम में तुमने हेडिंग ही देख लिया वेरिएबल सेपरेबल, तो मतलब क्या था वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट करना है, सेपरेट मतलब y के साथ y वाला, x के साथ x वाला। तो dy के साथ कौन आ गया y वाला, dx के साथ कौन आ गया x वाला। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिखते रहो साथ साथ, पता नहीं चलेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इजी है बहुत, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ऐसे बनता है सिंबल, dy अपॉन 1 + y² बोलो प्रोफेशनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx, यहां तक सही है, लिखते रहो सर। अब देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 + y² का क्या होता है, tan इनवर्स है, तो ये आएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, x + x³/3 और प्लस c लिख लो, कोई परेशानी,
बोलो भाई, कोई दिक्कत? बस आगे आंसर इतना ही था। यहाँ पे लिख देना सी इज एन कॉन्स्टेंट, सी इज अ कॉन्स्टेंट। अगर मान लो ये आगे पेपर में इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं आएगा ऐसे वाले, ठीक। वो पता है कब, अगर वैल्यूज पॉइंट दी है, जैसे इसमें पॉइंट दिए होते हैं ना कि वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो इतना, तब निकालते हो, उसमें बोलता है वो निकालने के लिए। तो इसमें लिख देना सी इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक। वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते टाइम करेंगे ना, कल पढ़ाया था ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन आया, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे देखो सी वन अलग कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, सी टू अलग मान रहे हैं, कंप्राइज करके हमने सी मान लिया दोनों को, कॉन्स्टेंट ही था। अगला क्वेश्चन, एक और वेरिएबल सेपरेबल का कुछ नहीं करना, सिंपल देखना वाई के नीचे वाई आना चाहिए, मैं वाई के साथ वाई आना चाहिए, एक्स के साथ एक्स आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अगर आ रहा है तो अच्छी बात, ना आ रहा है तो ले आओ भयंकर एक्स स्क्वायर। लो भाई, चलो क्या होना चाहिए खुद बताओ, बाकी मैं बताता हूँ। नहीं, तोड़ दो। चल पहले डीवाई को यही रखते, जो एक्स वाले वो एक साथ ले आते ना, क्योंकि वो सब ये नीचे एक्स प्लस टू आ जाएगा और यहाँ डी एक्स, कोई परेशानी? सही हो गया। अब बस एक काम करो, क्या ऊपर वाला वो हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है, चेक करने का, वरना इसका वो करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेटिंग बहुत साइड करना। आराम से भाई, निराश हो रहा। इंटीग्रेशन सीखा था हमने, याद करो किसका किसका शॉर्ट तरीका था, पर फायदा नहीं। देख अभी तो तुम लॉन्ग रखो, फिर तुम्हें फैक्टर्स बनाने हैं। अगर तुम्हें सिर्फ आंसर में जाना होता ना जीरो में, तो मैं तरीका बता देता, तुम्हें फैक्टर्स निकालने, पर इसके तो कुछ नहीं है ही नहीं। तीन एक है, थ्री माइनस, अभी फाइव आ ही नहीं सकते, तो ये तो है ही नहीं, फैक्टर तो है ही नहीं। अब देखो हमने एक चीज सीखी थी, याद हो इंटीग्रेशन, कि अगर ऊपर डिग्री ज्यादा होती है नीचे डिग्री कम होती है, तो हम डिफरेंस वो डिवाइड करते थे, याद है? तो डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ आता है याद डिवाइड करना? एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, जी सीखा ना कभी जीवन में? आता भी है तो भाई इसको करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, माइनस माइनस कुछ कैंसिल हुआ, ये गया, ये बना थ्री एक्स माइनस थ्री, तो प्लस थ्री, थ्री एक्स माइनस सिक्स, तो सॉल्व करके माइनस प्लस ये आएगा कितना, ये कैंसिल थे, प्लस थ्री आएगा, प्लस थ्री आएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, तो डी वाई के साथ यहाँ पे हमारे पास बचा क्या है, हमने करा डिवाइड, तो ये बनेगा जो आंसर आता है वो है एक्स प्लस थ्री, जो आंसर आया वहां से, ठीक है। प्लस दूसरा आंसर रिमाइंडर थ्री, नीचे एक्स प्लस टू, ऐसे लिखना पड़ेगा ये डी एक्स, इसको ऐसे लिखा, ठीक। क्यों लिखा समझ में आ गया ना, रीजन समझ आ गया, जो आंसर आता है उसको हम ये ना आंसर इसको ऐसे लिखेंगे, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर आता है, बचा हुआ ये नीचे आता है, ठीक। क्योंकि अगर तुम अभी भी इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ऊपर वाली चीज बन जाएगी, आराम से चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब तो इंटीग्रेशन आसान है इसका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बहुत सारे कैंसे, इसका इंटीग्रेशन टफ है, अब करके बताते फिर, क्योंकि जो चीज टफ नहीं उतना आती तो है ही, तो कहाँ चले, लिख लो भाई फटाफट ध्यान पर। ये बनेगा डी वाई, इंटीग्रेशन बटा कैसे तुम्हें बताओ, यहाँ लिख दो इंटीग्रेटिंग बहुत साइड पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन, समाकलन बोलते हैं हिंदी में, अवकलन, अवकलन 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 बोलते हैं डिफरेंशिएशन को, समाकलन बोलते हैं इंटीग्रेशन को। समाकलन के प्रश्न, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन वगैरह, इक्वेशन समीकरण, अवकलनीय समीकरण, क्या नहीं मैंने पढ़ाया था ना तभी याद है, अच्छे से इसका एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री एक्स आएगा, इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, इसका आएगा थ्री लॉग मॉड एक्स प्लस टू, याद है वन अपॉन टी
ऐसा होगा। अरे 1/t का लॉग वो नहीं होता था, बता देना मैंने को, अगर लीनियर आ जाए सीधा उसका लॉग में बदल रहा था, यही आंसर। कोई परेशानी झंडू, कोई परेशानी, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक थ्री एक्स कौन सा, ये तो सही है, एक्स स्क्वायर, हाँ तो एक्स स्क्वायर पॉइंट 3x हो जाएगा, तो 3 नहीं है क्या? अच्छा इसने इंटीग्रल डिफरेंशिएशन लगा दे दिमाग बुद्धि, क्योंकि हमने डिवाइड से ही करा था ना, देख लियो देख लियो। चलो कोई नहीं, आंसर आ गया ना, बस नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा वैरायटी का बनाते हैं। देखो नेक्स्ट, नींद आ रही है तुम्हें? बोलो ना चिन्ह ट्यूशन उम्मीद करो ना, मजे करना, मैं तुम्हारा सिलेबस भगा दूंगा। हाँ हम कौन सा नहीं आओगे फिर? हाँ यहाँ नहीं बना देंगे, वैसे आज से ग्रहण ग्रहण नहीं कुछ पानी क्या, और इधर तुम्हारे जीवन में थोड़ा लग रहा है, 4 बजे से 4-9 से 6-9 तक। अच्छा ग्रहण ग्रिजू, सॉरी सॉरी हमारा। चलो इसका कितना है, इसका e की पावर x अपॉन e की पावर y प्लस x स्क्वायर अपॉन e की पावर y, सही है? इसको इधर ले आओ, e की पावर y dy और dx के साथ आएगा e की पावर x प्लस x स्क्वायर dx, वाह जी वाह। अब डिफ इंटीग्रेशन कर दे यार फटाफट, तो आसान है, बजा देना इंटीग्रेशन इसकी, कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन? समझ आ गई ना वाले से, मैं बताना ही वाला, बताना तो बोल देना, इंटीग्रेटिंग करके ऐसा दिखेगा। क्या आ गया ये आ रहा क्या अंदर? अगला क्वेश्चन, इसमें इसके क्वेश्चन कौन से एक्सरसाइज में था, मैं भूल गया। हाँ 9.4 कर ले, आसान नहीं, हाँ बस एनसीईआरटी कहाँ पे? लेकिन यार सेकंड पार्ट इसमें लिख देना, ये क्वेश्चन है इसमें लिख देना फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऐसा आएगा वो क्वेश्चन जो बोलना था, तो सी के वैल्यू निकालने वाला वही वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर सर। हाँ नहीं, पर्टिकुलर इसमें भी चलो ये करो सेपरेट करो, क्या बन रहे है वाई की पावर -2 डी वाई और ये बनेगा -4x डी एक्स, जी बन रहा क्या? कर दो इंटीग्रेशन, कितना होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख के और ऐसा लिख देना पेपर में ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ना लिखने के नंबर भी कटते, याद रखना, फिर मैं बोलूँ हमारे नंबर काट दे टीचर ने, बना ही लेना बस। यारा -1, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो उसने हमें बोला है
हाँ वो जो वैल्यू बोली है ना, गिवन दैट वाई इज इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू जीरो, तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वन, सी कितना रहा? जैसे रखोगे यहाँ तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस वन होगा, तो सी इज इक्वल टू माइनस वन। अब इस वाली इक्वेशन में रख दो, जो हमारी इक्वेशन है वहां पे सी के लिए माइनस वन अपॉन वन, क्या क्या कह रहा? हाँ फिर उसमें रख दो ताकि सी पता लग गया ना ये है क्या, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा सा दिख जाए, सब सॉल्व कर दो तो बनेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो सॉल्व करके थोड़ा सा टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू वन, दिस इज योर परफेक्ट आंसर फॉर द परफेक्ट क्वेश्चन। कोई परेशानी भाई लोगों? वाई वगैरह कॉमन लेना, ले लो सॉल्व कर लो बस इतना आ जाएगा, सही है इतने में कोई परेशानी? ये हो गया एग्जाम्पल, वेरिएबल सेपरेबल तो कर ही लोगे, क्वेश्चन दिखा दो कोई करवाना वेरिएबल सेपरेबल के, तो करवाता हूँ एनसीईआरटी के, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में भी आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई टफ भी नहीं है। ये देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करा दो, वर्ड प्रॉब्लम नॉर्मल तो निपटा ही दो, कटा दी कराए तुम्हें? इसके हाँ इसके इम्पोर्टेंट तो नहीं होते पर कर लेंगे कोई नहीं, चलो क्वेश्चन कराते हैं फिर तुम्हें, करा ही देते हैं एक बार लिखो, ये अच्छा है बेचर, तुम्हें चीजें याद होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है लिखो। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, ऐसे लिखा हुआ है एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन पासिंग थ्रू, फाइंड द सॉल्यूशन पासिंग थ्रू द पॉइंट वन कॉमा माइनस वन, पॉइंट है जो वन कॉमा माइनस वन, ये लास्ट में तुम्हें पता ही लग गया किस काम आएगा, सी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है बस इतना रखना, ये पॉइंट काम आएगा सी की वैल्यू निकालने के लिए, इसमें से अब अलग अलग करना स्टार्ट करो, जरा कितना आ रहा है वाई के नीचे वाई वाला भेजो, कितना आ रहा होगा वाई डी वाई अपॉन वाई प्लस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, सॉरी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स, ये आ रहा क्या डी एक्स, सही है का? अब इस तरफ वाले का तुम्हें तो इंटीग्रेशन तो आता है, राइट हैंड साइड वाला तो परेशान करने ही नहीं वाला, तो उसको टेंशन मत लो, क्यों नहीं करने वाला देखो, इसको तो अगर मैं प्लस टू माइनस टू कर दूं तो ऐसे ही होगा, अरे सही है, इसमें अगर सेपरेट करोगे वन प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स, कोई परेशानी अभी इतने में? अब इसमें प्लस टू माइनस टू का फायदा क्या था याद करो, सेपरेट करोगे वन माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू, ये करवाए थे ना क्वेश्चन ऐसे, इंटीग्रेशन का सिंबल भी लगा ही दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तुम लिखना पेपर में, मैं नहीं लिखाऊंगा फिर मत बोलना हमारा छूट गया, सेपरेट भी करके दे दे, अब तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सर, तो क्या कर रही हैं, हो जाएगा भी ये क्या करके देना है, ये वाई माइनस टू लॉग मॉड वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी, सही है यहाँ तक? अब यहाँ पे सी की उसकी वैल्यू रख दो, क्या है वो पॉइंट की, पुट पॉइंट, पॉइंट पुट करना है वन कॉमा माइनस, कर लोगे पॉइंट पुट वन कॉमा माइनस, कितना आएगा माइनस वन माइनस टू लॉग, सॉरी हाँ सही मॉड वन इज इक्वल टू एक्स का वन प्लस टू लॉग मॉड वन प्लस सी, लॉग वन कितना होता है जीरो, तो इसका आंसर माइनस वन माइनस टू आएगा, सी आएगा माइनस टू, निकाल लोगे बस सी के लास्ट में ना ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर देना इसमें, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे समक्ष प्रतीत हो जाए, कोई परेशानी? इजी था, तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट वगैरह तो नहीं पता होगा ना, पुरानी वीडियो देख लेना उसके क्वेश्चन है इसमें बाद, तो तुम्हें फिर डाउट नहीं होगा।
सही बोल रहा था, तो 5:30 बजे भी लोग पटाखे फोड़ रहे होंगे। ठीक है, बस इतने ही थे, इसको एनसीईआरटी कर लेना। एनसीईआरटी की कौन सी, 9.4, जो डाउट होंगे पूछ लेना, कल डाउट डिस्कस कर लेंगे, फिर कल होमोजेनस स्टार्ट कर देंगे ना। एंजॉय।